दोस्तों एक कार और बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये कि फर्स्ट पार्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें या थर्ड पार्टी की। अब कई भाई तो कहेंगे भाई ये कौन सी चिड़िया के नाम है, आपने फर्स्ट और थर्ड पार्टी तो बता दिया, ये बीच में सेकंड पार्टी का क्या सस्पेंस है। भाई हमें तो वो पार्टी की पॉलिसी दे दो जिसमें क्लेम टाइम पे मिल जाए और हमें ज्यादा परेशानी ना हो। और फर्स्ट और थर्ड पार्टी जो आपने बताया है इनमें क्या कवरेज होती है और कौन सी पॉलिसी हमें लेनी चाहिए, अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो आपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो क्लिक किया है। आज का वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि आप सही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे अपनी गाड़ी या बाइक के लिए। तो दोस्तों देरी नहीं करते और फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्टी का फंडा एक बार समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लो राम के पास एक गाड़ी है और वो अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, तो राम यहां पे फर्स्ट पार्टी कहा जाएगा। और राम की गाड़ी से अगर किसी और की गाड़ी के साथ किसी प्रॉपर्टी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो रमेश की गाड़ी के साथ राम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो रमेश का जो नुकसान हुआ है रमेश को यहां पे थर्ड पार्टी कहा जाएगा। और सेकंड पार्टी कौन है, राम की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिस कंपनी का इंश्योरेंस राम ने खरीदा था उसे सेकंड पार्टी कहा जाता है। तो आसान भाषा में अगर एक लाइन में बताऊं तो फर्स्ट पार्टी की गाड़ी से जब थर्ड पार्टी की गाड़ी को नुकसान होता है तो सेकंड पार्टी इस क्लेम का भुगतान करती है। अब ये तो बात हुई राम की गाड़ी की इंश्योरेंस से संबंधित, मान लो रमेश के पास भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसे क्या कहा जाएगा। रमेश ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उसके हिसाब से वो फर्स्ट पार्टी है, रमेश की गाड़ी से अगर किसी और को नुकसान हो जाता है वो थर्ड पार्टी है और रमेश की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे सेकंड पार्टी कहा जाएगा। अब आप बोलोगे भाई चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी कौन कौन है ये तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन हमें ये बताओ फर्स्ट और थर्ड पार्टी के फायदे क्या क्या होते हैं और बेस्ट पॉलिसी कौन सी है और इन दोनों में फर्क क्या है। तो भाई देखिए जब कोई भी गाड़ी रोड पे चलती है और किसी और की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक तो पहला नुकसान वो है जो हमारी गाड़ी को होता है, हमारे व्हीकल को जो नुकसान होता है वो है, और दूसरा अगर हमारी गाड़ी से किसी और प्रॉपर्टी को किसी इंसान को चोट लग जाती है, किसी और की गाड़ी में लग जाती है, ये दोनों ही नुकसान जो पॉलिसी कवर करती है उसे फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कहा जाता है। थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है, थर्ड पार्टी पॉलिसी वो इंश्योरेंस है जिससे सिर्फ दूसरे नंबर का नुकसान कवर किया जाएगा, यानी हमारी गाड़ी से किसी और को होने वाला नुकसान जो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाएगा। अब सवाल आता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो मैं आपको समझाऊंगा, डिसाइड ये आपको खुद ही करना होगा। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट पार्टी की डिटेल्स को समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्लेम आप ले सकते हैं। पहली कैटेगरी जो क्लेम्स की है वो है एक्सीडेंटल क्लेम्स। मान लो आपके पास एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मरम्मत का खर्चा आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम का पैसा कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से पार्ट्स डैमेज हुए हैं, क्योंकि हर पार्ट के लिए डेप्रिसिएशन यानी घिसावट का पैसा आपके क्लेम से काटा जाता है। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ किस पार्ट का कितना क्लेम मिलेगा। मान लो एक्सीडेंट के दौरान कोई भी ग्लास पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे गाड़ी का फ्रंट वाला शीशा है, साइड के शीशे हैं या पीछे वाला शीशा है, अगर वो रिप्लेस किया जाता है तो कोई भी डेप्रिसिएशन यानी क्लेम अमाउंट से कटौती नहीं होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्लैब जो ग्लास के ऊपर है वो 0% है, पूरा का पूरा पैसा आपको मिलता है। अब बारी आती है नायलॉन टायर ट्यूब रबर एयरबैग और साथ में बैटरी की, इनमें से अगर कोई पार्ट रिप्लेस होता है तो 50% पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और बाकी के 50% पैसे आपको अपनी जेब से पे करने होंगे। तीसरी कैटेगरी आती है फाइबर ग्लास पार्ट्स की, ये वो पार्ट्स हैं जो फाइबर और ग्लास से मिलकर बने हुए होते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन का स्लैब है 30% का, यानी 100 रुपए का अगर खर्चा है तो उसमें से 30 रुपए कट के ही आपको क्लेम मिलता है। और फाइनल दोस्तों बारी आती है मेटल और वुडन पार्ट्स की, जो आपकी गाड़ी में जितने भी धातु से बने हुए पार्ट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन स्लैब है आपकी गाड़ी की एज के हिसाब से, जितनी पुरानी आपकी गाड़ी होगी तो ये पैसा उतना ही ज्यादा आपके क्लेम से कटेगा मेटल पार्ट्स के लिए। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से कम पुरानी है तो उसमें डेप्रिसिएशन का कोई भी पैसा मेटल पार्ट्स के लिए नहीं कटेगा, अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर पुरानी है तो 5% का क्लेम अमाउंट से ये पैसा काटा जाएगा, अगर आपकी गाड़ी 1 साल से 2 साल के बीच में उसकी एज है तो उसमें से 10% की डेप्रिसिएशन की जाएगी, और इसी तरह से जितनी पुरानी आपकी गाड़ी होती जाएगी उतना ही ज्यादा डिडक्शन ये आपके क्लेम अमाउंट से होता जाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल ये है कि आप कहोगे कि हमने तो कई बार क्लेम लिया है लेकिन हमें तो पूरा क्लेम मिला है। उसका कारण ये है दोस्तों कि ये मैंने आपको जो डिडक्शंस बताई हैं ये एक स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्टी पॉलिसी की डिडक्शन है, यानी उनमें से पैसा कटता ही कटता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लेम अमाउंट से ये डिडक्शन ना हो, डेप्रिसिएशन वाली या बाकी जो कटौतियां हैं वो ना हो, तो उसके लिए अलग से आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में एडऑन्स लेने होंगे। ये वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसके जरिए आप अपनी कवरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा भी आपको इनके लिए पे करना होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे 0 depreciation, कंज्यूमेबल, इंजन प्रोटेक्ट, रिटर्न टू इनवॉइस, की प्रोटेक्ट, पर्सनल बिलोंगिंग्स, बहुत सारे एडऑन्स आप ले सकते हैं अपनी कार या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर आप डिटेल्ड वीडियो इनका देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इनकी एक एक डिटेल जान सकते हैं। जो एडऑन आपको जरूरी लगे वो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी कवरेज भी बढ़ जाएगी। क्लेम की दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों टोटल लॉस। टोटल लॉस का मतलब ये है कि गाड़ी अब दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकती है, या फिर ये कहें इंश्योरेंस कंपनी की परिभाषा में टोटल लॉस का मतलब ये है
अगर आपकी गाड़ी की मरम्मत रिपेयर करने का खर्चा उसकी टोटल वैल्यू जो उसकी आईडीवी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी हुई है उस वैल्यू के 75% से ज्यादा हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे टोटल लॉस डिक्लेयर कर सकती है। कैसे, इसको समझते हैं। मान लो किसी गाड़ी की कीमत जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 10 लाख रुपए थी और कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट उसका हो जाता है। अब उसको जो रिपेयर करने की जो कीमत है, रिपेयर करने का जो खर्चा है, वो 7.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा आ जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसे टोटल लॉस डिक्लेयर कर देती है। अब इस केस में जो गाड़ी मालिक है उनको कितना क्लेम मिलता है, जो आईडीवी आपकी गाड़ी की मेंशन है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका क्लेम आपको दिया जाता है। हाँ, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर रिटर्न टू इनवॉइस या इनवॉइस प्रोटेक्ट का एड ऑन है तो क्लेम के तौर पे आपको ऑन रोड प्राइस की वैल्यू भी मिल सकती है। उससे जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस आप आरटीआई से जुड़े हुए स्पेशल वीडियो में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में दोस्तों क्लेम की अगली कैटेगरी है थेफ्ट, यानी कि चोरी का क्लेम। चोरी के क्लेम में पार्शियल थेफ्ट भी हो सकती है, यानी गाड़ी का कोई सामान चोरी हो सकता है, जैसे कि गाड़ी के टायर चोरी होना। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है पूरी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, तो दोनों तरह के थेफ्ट के क्लेम आप प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि थेफ्ट का जो क्लेम प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, टाइम टेकिंग है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी ये कवरेज आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूर मिलती है। अब गाड़ी के बाद इसमें बैठे हुए इंसानों की कवरेज आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में ले सकते हैं। पहली कवरेज है ओनर कम ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप ओनर का ले सकते हैं। दूसरा है पेड ड्राइवर कवर, यानी अगर कोई एम्प्लॉयड ड्राइवर आपकी गाड़ी ड्राइव करता है तो वो पॉलिसी भी, वो कवरेज भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। और तीसरा है पैसेंजर कवर, गाड़ी के अंदर जो आपके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स ट्रेवल करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप ये एडिशनल कवर्स अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं तो। अब फर्स्ट पार्टी मैंने बताया था कि अपनी गाड़ी का नुकसान भी कवर है, तो उसकी सारी जो कैटेगरीज है वो मैंने आपको यहां पे बता दी है। लेकिन अब बारी आती है किसी और को होने वाले नुकसान जो कवर किया जाएगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसकी डिटेल सेम है जैसा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में होती है, तो वो डिटेल में हम जानेंगे थर्ड पार्टी वाले सेक्शन के अंदर। अब दोस्तों फर्स्ट पार्टी की पूरी कवरेज समझने के बाद बारी आती है कि किस किस को फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो उनकी है जिनकी गाड़ी अभी नई है। मान लो आपने नई नई गाड़ी अगर अभी खरीदी है तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है और रिस्क भी काफी ज्यादा है, तो आपको एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी चाहिए। मान लो घर में बहुत सा सामान रखा रहता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी हैं, शोपीस भी रखे रहते हैं, सब खुले में रखे रहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, लेकिन जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, डायमंड ज्वेलरी है या और कोई ज्वेलरी आइटम है वो कहां पे रखेंगे आप? लॉकर के अंदर रखेंगे या फिर तिजोरी के अंदर रखेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए रिस्क ज्यादा है। तो जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो रोड पे गाड़ी चलते टाइम एक्सीडेंट का रिस्क ज्यादा है, यानी एक्सीडेंट होने से आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं उसकी मरम्मत के लिए। तो इसलिए अगर आपकी गाड़ी नई है और एक अच्छी खासी वैल्यू बियर करती है, आपको एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ही लेनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी रोड पे बहुत ज्यादा ड्राइव करती है, यानी अगर आपका बहुत लंबा ड्राइव है, डेली का आपको अप डाउन कहीं से करना पड़ता है, तो जितना ज्यादा गाड़ी रोड पे रहेगी उतना ही ज्यादा रिस्क रहेगा किसी भी एक्सीडेंट के होने का। अगर ऐसा है तो ये लायबिलिटी आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कीजिए और आपको एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। और तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए, अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मेरे को पैसे नहीं भरने हैं, मैं सारी जिम्मेवारी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डालना चाहता हूं, तो आपको कंप्लीट एक फर्स्ट पार्टी पैकेज पॉलिसी लेनी चाहिए। हालांकि अलग अलग कवरेजेस के लिए एक्स्ट्रा एड ऑन्स आप अलग से जरूर ले सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कंप्लीट कवरेज आपको नहीं मिलती है। अब दोस्तों बारी आती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी की। इंडियन रोड्स और हाईवेज पे कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव करने के लिए कम से कम एक थर्ड पार्टी पॉलिसी होना जरूरी है। अगर आपके पास एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये वाली कवरेज ऑलरेडी उसमें एडेड होती है, लेकिन अगर आपकी बाइक या गाड़ी की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो कम से कम एक थर्ड पार्टी पॉलिसी आपको लेनी ही होगी, क्योंकि इसके अंदर वो कवरेज जुड़ा हुआ है जो अगर आपकी गाड़ी से किसी और को नुकसान हो जाए तो ये लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर चली जाती है। थर्ड पार्टी पॉलिसीज की प्राइसेस भी आईआरडीए द्वारा फिक्स किए जाते हैं, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग प्राइसेस आपसे चार्ज नहीं कर सकती है। आपकी गाड़ी का जो थर्ड पार्टी प्राइस है वो अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदेंगे तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके प्राइसेस आपके इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। अगर किसी गाड़ी की एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है और उस गाड़ी से किसी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? भाई किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, सामने वाली गाड़ी को जो नुकसान हुआ है वो भी एक नुकसान है, या इस गाड़ी से किसी और प्रॉपर्टी में भी नुकसान हो सकता है, तो इनके लिए कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उस लिमिट को टीपीपीडी लिमिट कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट। अब एक कार के केस में टीपीपीडी लिमिट 7.5 लाख रुपए है और एक बाइक इंश्योरेंस के केस में टीपीपीडी लिमिट है 1 लाख रुपए, यानी अगर किसी व्हीकल को या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो गाड़ी के केस में इंश्योरेंस कंपनी की ज्यादा से ज्यादा देनदारी 7.5 लाख रुपए की है और बाइक इंश्योरेंस में सिर्फ 1 लाख रुपए की लिमिट तक ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। हालांकि ये वाली लिमिट किसी इंसान से जुड़े हुए एक्सीडेंट पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा ये MACT डिसाइड करता है। MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वो ये देखते हैं जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी उम्र क्या थी, उनकी सालाना आमदनी क्या थी, अभी
अभी कितने साल उनके जीवन में बचे थे जब वो काम कर सकते थे और रोजगार कमा सकते थे, उसके हिसाब से एक मुआवजे का जो अमाउंट है वो डिसाइड करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि वो मुआवजा उन्हें पे कर दिया जाए। अब क्योंकि हम ऑनलाइन भी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और बहुत से भाई ऐसे भी हैं सस्ते इंश्योरेंस के चक्कर में एक लिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी खरीद लेते हैं। लिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी में जो ये टीपीबीडी लिमिट है जो मैंने बताई है 7.5 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की, ये लिमिट घटकर रह जाती है सिर्फ 6,000 रुपए। यानी किसी भी एक्सीडेंट के केस में अगर सामने वाली पार्टी कोई मुआवजे का क्लेम हमारे ऊपर डालती है तो इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम देनदारी सिर्फ 6,000 रुपए ही रह जाएगी। और पॉलिसी के प्राइस में यानी कि रेट में कितना डिफरेंस है, गाड़ी के प्राइस में सिर्फ 150 से 200 रुपए और बाइक के इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ 50 रुपए का ही अंतर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो लिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी कभी भी ना खरीदें, हमेशा एक नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी खरीदें। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्योंकि आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी नुकसान कवर नहीं है, जैसे अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, हालांकि एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आप गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे पैसेंजर्स और ड्राइवर्स को भी कवर कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही कवरेज आपको मिलती है, यानी ओनर कम ड्राइवर का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको मिलेगा, पेड ड्राइवर कवर आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उनकी भी लायबिलिटी कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों आती है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी किस किस को लेनी चाहिए, और जो मैं बता रहा हूं उनको सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है, खरीदने में आसान है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, मान लो गाड़ी आपकी 8-10 साल पुरानी हो गई है, अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा भी लेंगे अगर कोई क्लेम आ जाता है तो उस क्लेम से बहुत सा पैसा कट जाएगा क्योंकि आपकी गाड़ी की एज बहुत ज्यादा हो गई है। तो आप ये चाहते हैं कि ज्यादा पैसे भी आपको इंश्योरेंस के पे ना करने पड़े क्योंकि क्लेम तो इतना ज्यादा मिलेगा नहीं, तो आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों अगर आपकी गाड़ी बहुत कम ड्राइव होती है, यानी वो खड़ी रहती है, आप किसी और शहर में रहते हैं, गाड़ी हमेशा आप धक्के खड़ी कर देते हैं, वो चलती ही नहीं है, तो फिर रिस्क किस चीज का है, गाड़ी का एक्सीडेंट है तो तब होगा ना जब गाड़ी चलेगी, तो उस केस में भी आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों अगर आपकी गाड़ी की ओनरशिप किसी और के नाम है और आप जानते ही नहीं ये गाड़ी किसके नाम है, आपने गाड़ी कई साल पहले खरीदी थी और आपने उसे ट्रांसफर भी नहीं करवाया है, तो एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब भी आप क्लेम फाइल करेंगे तो उन ओनर के ही डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे और तभी क्लेम आपको मिल पाएगा। तो इस केस में भी आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। चौथी कैटेगरी है दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल व्हीकल्स हैं, आपके पास 3-4 गाड़ियां हैं, आप उनमें से 2 गाड़ियां बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, तो उन 2 व्हीकल्स के लिए आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी इतने से ही हो जाती है। जो गाड़ी आप ड्राइव करते हैं और जिसकी रोड प्रेजेंस ज्यादा है उन गाड़ियों के लिए आपको एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप अपनी गाड़ी को सेल आउट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगले 2-4 महीने के अंदर आप अपनी गाड़ी को बेच देंगे, अगर आप ये बात जानते हैं तो उसकी भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी आप करवा सकते हैं क्योंकि आपको लगता है आप जब अपनी गाड़ी सेल आउट करेंगे तो उसमें ज्यादा वैल्यू आपको इंश्योरेंस की वापस नहीं मिलेगी और बेचने के लिए एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी काफी है, वो सामने वाला उसे यूज कर सकता है, ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और बेचते टाइम आपको ज्यादा नुकसान इंश्योरेंस के प्रीमियम का नहीं होगा। और दोस्तों फाइनल चॉइस तो है ही आपकी, अगर आप कहते हैं भाई मेरी गाड़ी बिल्कुल नई भी है, रोड पे ही बहुत चलती है, लेकिन मेरा तो बस चालान नहीं होना चाहिए, कोई पुलिस वाला रोके तो उससे बहस मैं नहीं करूंगा, और अगर किसी और के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो वो लायबिलिटी भी मुझे बियर नहीं करनी है, मेरी गाड़ी का जो नुकसान होगा वो मैं अपने आप उठा लूंगा, वो मैं खुद बियर कर लूंगा, अपनी जेब से पे कर दूंगा, तो भी आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। और थर्ड पार्टी को खरीदना बहुत ही आसान है, डायरेक्टली आप आरसी और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है और सस्ती तो ये होती ही है क्योंकि इसमें कवरेज मिलती है सिर्फ सामने वाले के नुकसान से जुड़ी हुई, आपकी गाड़ी का कुछ भी क्लेम इसमें कवर नहीं होता है। अब सवाल ये भी आएगा कि सर थर्ड पार्टी का क्लेम कैसे प्रोसेस करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कितना क्लेम मिलता है, कैसे मिलता है, पूरी प्रोसेस क्या है, तो भाई ये वीडियो तो बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाएगा, इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिखाई दे रहा है, आप यहां पे ये लिंक क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें थर्ड पार्टी से रिलेटेड हुई बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो अब आप ये समझ गए हैं कि आपको अपनी गाड़ी या बाइक के लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि आपने सारी कवरेज समझ ली है, अब ये फैसला बहुत आसान हो गया है। आपने ये भी जान लिया है एक फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, कौन सी पॉलिसी बेहतर है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्टी होती कौन कौन है ये भी आपने समझ लिया है। दोस्तों इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल के जरिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है, इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि जो इंश्योरेंस कंपनी के जो बड़े बड़े वर्ड जो अपने पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखते हैं या फिर अपने ब्रोशर्स में लिखते हैं जो कि हम आम आदमी नहीं समझ पाते हैं, मैं उनको आपके लिए इतना आसान बना दूं कि जब आप पैसा किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पे करें तो आपको ये महसूस हो कि आप उसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपसे पैसा ले लिया जाता है और आपके हाथ में कागज दे दिया जाता है, और ऐसा किसी भी अन्य प्रोडक्ट में नहीं है। आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, मोबाइल फोन लेंगे उसको चला के देखते हैं, सिर्फ इंश्योरेंस में ही ऐसा होता है, पैसा ले लो और एक ये कागज दे दो, क्लेम के टाइम ही आपको पता चलता है कि आपको इस पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता है और उस टाइम सारी परेशानी आपके सामने आ जाती है। अगर आप मेरे इस मिशन से, मेरे इस विजन से, मेरी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं कि मैं इंश्योरेंस को आपके लिए सबके लिए आसान बना
बना पाऊं। तो आप इस चैनल, इस कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।